बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज मैं चिकन पचरंगा बना रही हूँ। ये अपनी रेसिपी है। चिकन पचरंगा बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन धोया है, धो के सफाई से तो मैंने रख लिया है, ये देखें ठीक है। और मैंने पतीली चढ़ा दी है, इसमें मैं ऑयल डाल रही है ताकि जल्दी जल्दी फरीन दिखा सके आपको, सुन के रहा कैमरा में, ये देखें ऑयल मैंने अपने हिसाब से डाला, आप अपने हिसाब से डाली दे देखें, बिना थोड़ा सा ही ऑयल जाएगा। तो मैं वाला देखें, ये है येलो हिप्स शिमला मिर्च, ये है रेड, ये है ग्रीन, बेल पेपर कहते हैं जो अब तुम बोलते रहो, ये येलो ग्रीन रेड ग्रीन और ये टमाटर, ये प्याज, पांच रंग हो गया, 1 2 3 4 5 छठा मेरा चिकन है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसकी इसमें जो मेन चीज है ये है टमाटर केचप, और ये है कॉर्नफ्लावर, और ये है रेड लाइट और ग्रीन लाइट, और ये है सोया सॉस, सोया सॉस ठीक है। अब मैं चढ़ाना शुरू कर रही हूँ, मैं आपको दिखाते ठीक है। पहले इसको हम इसी तरीके से इसको चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद इसमें इसको थोड़ा फ्राई करना है, इसमें थोड़ा स्मेल होती है तो आप इसको फ्राई करें, हमेशा चिकन को फ्राई करके बनाया करें, कभी भी इसको निकलना। मेरे हाथ पर भी दादी नानी से बनती थे, आप सबसे करें करें, मुझे तो सब कभी होता नहीं, बहुत पुरानी बातें हो गई हाथों से सब कर। मेरा अपना पिसा हुआ था काली मिर्च और जीरा, इससे बिताया नमक वगैरह सब निकल जाए, थोड़ा सा इसमें डलेगा नमक ठीक है, थोड़ा सा डलेगा जायसे इसको निकालिए ठीक है। 5 मिनट भूनने के बाद और इनकी सब्जी में आपको कटिंग करके फिर जैसे चीजें कटिंग कर लूँगी, कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है। चलिए देखिए मैंने सारी चीजें की कटिंग कर ली, आज मुझे बेबी प्याज नहीं मिली तो इसलिए मैंने छोटी प्याज लेके इस तरीके से काट ली, वरना इसमें छोटी बेबी प्याज जाती, मगर आज मैं बाजार नहीं गई, मैंने पड़ोसन से मंगाई थी, उन्होंने मुझे मीडियम प्याज ला के दे दी, अभी मैंने कटिंग कर दी, ये देखेंगे मैंने चिकन बिल्कुल फ्राई कर लिया, ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने ऑयल छोड़ दिया, मैंने इसके अंदर काला नमक और क्या नाम है जीरा और काली मिर्च डाल के फ्राई किया है, ये तकरीबन आधे से ज्यादा पक चुका बस। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने रखा हूँ, आपको मैं ग्रेवी दिखाता हूँ किस तरीके से बनती है, फिर मैं बात करूंगी। अल्लाह का जिक्र करा करें, अल्लाह का नाम लिया करें, नमाजें पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ करा करें, दिन में एक दरूद शरीफ एक बार 10 बार भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो बहुत अल्लाह से खैर बरकत देता है खानों को, जब भी खाना बनाए हमेशा अल्लाह का नाम और जिक्र हमदोसना करती रहा करें। किचन ऐसी चीज है कि किसी से कोई जल्दी से किचन में आता नहीं कि कभी गर्मी की वजह से कभी सर्दी की वजह से, तो किचन ऐसी चीज है कि हर कोई उसमें नहीं आता किचन में, तो इसमें ये देखें मैंने इसके अंदर अपना सामान डालना शुरू कर दिया, ये देखें लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना रखा था ठीक है, ये लहसुन ही अदरक है ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया तो ऑयल मैंने रख दिया था, ऑयल गरम तुम भी चला दिया करो फरीना, तुम भी खाना बनाना बहुत एक्सपर्ट हो जाओगी माँ के साथ, ये देखें मैंने सारी चीजें दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी है, ये देखें मैं बारी बारी डाल रही हूँ, ये लाल वाली शिमला मिर्च है ठीक है, ये येलो वाली, ये ग्रीन और ये प्याज, इसको आज पकाना है हमने अलग से पका के, तो इसमें मैं डाल के आपको दिखाऊंगी कैसे, देखिए आज बेबी प्याज नहीं मिले ना इसलिए मैं छोटी छोटी इस तरीके से कर, इधर ये मसाला भुनेगा, इधर ये थोड़ी गल जाएगी, ये सब मिक्स करके अलग से ऑयल में कढ़ाई में रखनी होगी ठीक है, इतने इसका मसाला बनाऊंगी तैयार करूँगी कितने ही हो जाएगा। चलिए दिखाएंगे एक जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे तो उसकी प्यूरी बन गई ठीक है, ये सब मैं डाल देती हूँ, टमाटर की प्यूरी तो पीली पीली हो रही, लाल नहीं है, लाल टमाटर नहीं है ना, आजकल मौसम है ना ऐसा है सर्दी का तो देसी टमाटर आ रहा है, वो मैं ये डालूंगी ना सोया सॉस तो इससे कलर आ जाएगा है, ये इंडियन ही देश पर इसे वाला सोया सॉस है, अपने 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 हिसाब से बना रखे हैं, कभी आप समझ चाइनीज डिश बन रही है, पहले लोग सिरका कहते थे, सिरका हमेशा का दूसरा होता है वाइट वाला, ये काला भी आता है वाइट भी आता है, हर तरीके का सिरका आता था, पहले लोग इसको सिरके की तरह खाते थे, आजकल सोया सॉस और ये मेरे कलर इस दुनिया के नाम निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिरका हम बहुत जमाने से खाया जा रहा है, जैसे नाना से लंबे सिरके को बहुत पसंद किया करते थे, फिर मैंने इसमें अपने हिसाब से चिली पाउडर डाला, क्योंकि 1 किलो चिकन है 2 चम्मच है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही होता है 2 चम्मच इसमें चिली पाउडर ठीक है, थोड़ा सा धनिया डाले तो धनिया की इतनी खास जरूरत नहीं है,
क्यों ऐसा बन रहा है ड्राइवर तो ग्रेवी इसमें डलेगा ना आज फॉर्म फिला इसलिए इसमें जाने की जरूरत है आज में कोई दही नहीं जाएगी कोई नमक नहीं जाएगा थोड़े से हल्दी पाउडर तुम फेंक मत देना अभी मेरा फोन नया है कभी फेंक दो ये देखे पहले मैंने थोड़ा सा नमक उसमें डाला हुआ सोया सॉस में नमक होता है केचप में भी नमक होता है तो इसलिए आप नमक कम ही डालें बाद में चक्के डाल लिया करें फिर मैं आपसे वही बात कहूँगी कि आप हर चीज चक बनाती रह करें चखते रह करें चखने में कोई हरज नहीं है चखके बनाएंगी अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसमें चिकन डालने के बाद ये कौन सा ना डलेगा सो ये डलेगा केचप सोया सॉस डालेगी चलो मैं भी दिखाती हूँ कितने सब्जी फ्राई होगी देखिए कितना अच्छा कलर आएगा ना पांच कलर हो गए ना पचरंगा ये मेरी ये दादी नानी की है चिकन पचरंगा है ये मेरी रेसिपी है ये देखो ये पाँच रंगी हो गई एक दो तीन चार पाँच टमाटर में डाल चुकी चाय उसमें चिकन ऐड कर लीजिए सोया सब्जी कर लीजिए ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे से स्वाद हम जी पका लिए अभी देखिए मसाला तैयार हो रहा है मेरा बस ये मसाला तैयार होते ही समझ लीजिए फिर ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल के दिखाऊंगी आपको चलिए ठीक है चले हटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें ये मैंने मसाला भून लिया आपको दिखाया था सब चीज़ डालते मैं इसमें चिकन डालती हूँ ठीक है ये चिकन डाल दिया मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा बहुत जल्दी एक ही पतीली में देखो मैंने एक ही भगोने में सारा खाना बना लेती हूँ बस ये कढ़ाई आज ऐसा इस्तेमाल हुई थी इसमें ये जो था सामान डालना था ठीक है हो गया अब मैं इसके अंदर ये डाल दें कॉर्नफ्लावर ठीक है ये कॉर्नफ्लावर मैंने घोल लिए अगर कॉर्नफ्लावर नहीं होता आप आटा भी डाल सकते ऐसी कोई बात नहीं है कोई कलर नहीं दिखता कि लोगों ने कि जी ये भी क्या नाम है कॉर्नफ्लावर डाले और ये डाले अगर आटा हुआ करे घर में कोई चीज़ ना हो तो आटा डाल लें आपको ग्रेवी थिक करनी है बस बोले ग्रेवी थिक करनी होती है ना तो ये अब इसके अंदर एक चम्मच जाएगा सोया सॉस ठीक है ये देखिए मैंने आज चम्मच ले लिया आपको दिखाने के लिए कि हमेशा के ये होती थोड़ा मैं दिखा देती हूँ आपको एक किलो चिकन है आधा किलो टमाटर और एक सोया सॉस दो चम्मच तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर के ठीक है मैंने चलिए दिखा देती हूँ बच्चे को कंफ्यूज होते हैं पता नहीं दादी नानी दादी हो तो उनको तो इतना अच्छा बनाना आता हम किस तरीके से बनाए अब इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर जाएगा ये ना थोड़ा सा इसमें मैं पाइप डाल लेंगी थोड़ा सा ठीक हो रही है ये देखिए ये बन गई ग्रेवी ठीक है थोड़ा सा देखो अभी हमने सोया सॉस डाला है तो इससे थोड़ा सा कलर काला आ रहा है तो इसका सारा कमाल होगा इसका फ्रूट कलर है थोड़ा सा ले लें आप देखें इतना बस यही से डाल दें साइड में डालें और साइड में कितना इजी बता रही हूँ आपको ना आप कटोरी गंदा करें ना चमचा गंदा करें ना हाथ अब इधर इजी में डालें पानी ये देखें मिल गया ना मिल गया बिल्कुल देखें सब मिल गया अभी देखें मैं इसके अंदर डाल लेंगी केचप इसी चम्मच से केचप डाल लेंगे एक प्याली है अभी मैं चख के फिर जो चीज कम होगी वो मैं इसमें एक प्याली मतलब दो तीन चम्मच तीन चम्मच बड़े वाले अब मैं इसके अंदर सब चख के फिर डालूंगी ऐसी बात नहीं कि चखना चाहिए पकाते हुए आ जाओ अब मेरी मियाँ ना बहुत चिड़ रहा है आजकल कह रही है दादी नानी बन गई है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कहते हैं देखे दादी नानी है कैसे कहते देखो क्या कर रही देखो क्या कर रही है ये देखें सब कुछ सही है बहुत ही मजे का माशाल्लाह बना है बहुत ही मजे का मैं आपको दिखा नहीं सकती दिखा देती चखा नहीं सकती क्योंकि हमारे थोड़ा सा मिठास को कम पसंद करते हैं इसलिए मैं केचप कम डालती हूँ कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं हमारे यहाँ कम मीठा खाते हैं बस थोड़ी सी हल्की सी नजर अलग रही बस इतना सा चम्मच मैंने चखा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी आई कितनी गाढ़ी ग्रेवी कितना ईजी है देखें एक कटोरी एक चम्मच से सारा काम किया मैंने देखे ये बस इससे कराया सारा काम ये देखे सोया सॉस भी मैंने बंद कर रही हूँ ये फ्रूट कलर था ये भी मैं बंद करके रख रही हूँ फ्रेम रखो इनको अब देखो जब मुझे भी काम में लगा रही है अपने कैमरा मैंने अभी ये भी करे इसलिए मैं ये कर रही हूँ देखे आप देखो फरी मेरे साथ खड़ी होती है मैं ये गारंटी देती कि फरी अच्छा
बनाएंगे सीख तो रही है भाई, हाथ हाथ की बात होती है, मैं तो नानी भी और दादी भी हूँ क्या फर इनका नहीं पता, मगर बहुत मजे की माशाल्लाह यकीन जाने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे मियाँ को बहुत गुस्सा आता है, वो चिकन बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हमेशा गोश्त की रेसिपी डाला करो। अभी मैं कहती हूँ ना पाई बनाया था, मैंने कितने बनाए थे 27 जनवरी है ना, पाई की रेसिपी डाला, पाई की रेसिपी बड़े खुश हुए वो बीप के पाई बनाए उन्होंने, आज तो उनकी बस जान थी, उंगली की भुजिया बनाई थी मैंने, वो बड़े खुश होकर खाई उन्होंने वो चिकन ज्यादा। ये देखे हमें सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर रही है, फ्राई हो गई, हाँ कुक हो गई, बस अभी थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, ये तो थोड़ा सा पानी छोड़ा ना, बस अभी उनको एक खटका दे। ये है तो नाम बचरंगा पर मुझे खुशबू इसमें बिल्कुल चिली चिकन की आ रही है। तुमने मेरी पोल पट्टिया ना खोला था, चिली चिकन नहीं है, चिकन पंचरंगा। हाँ चिकन पंचरंगा, ये देखे माशाल्लाह कितना अच्छा बना, 5 कलर है और बस बिल्कुल तैयार है। अब मैं फिर एक बार और चखूंगी, ये देखे चखती रहती हूँ बनाती रहती हूँ। आप सबसे भी ये कहती हूँ सब कुछ सही है, सब बच्चियों से बेटियों से बहनों से बहनों से सबसे ये कहूंगी, बेटिया तू शादी होके जाओगी आप भी, तो बहुत ही अच्छी आपकी तारीफ होगी खाने की अगर आप चक चक के बना के लेके जाएंगी दस्तरखान पे। कभी भी ऐसा ना करें, मैं तुम्हें अपना समझ के अपनी बहन और बेटियां समझ के बता रही हूँ जितनी भी हैं, कि हर काम को ये नहीं फूक, पता क्या करते आपने दस्तरखान पे रख दिया नमक कम मिर्च कम, आपको कहेंगे फूड़ी, कैसी फूड़ी, खाना भी बनाना नहीं आता, मैंने खाना भी नहीं सिखाया, मैंने ये भी नहीं करा, बेचारी माँ पे पड़ती है। इसलिए मैं सब बच्चियों से गुजारिश करूंगी कि आप खाना बना बना के चक दिया करें, और जब दस्तरखान पे लेके जाएं तो चक के लेके जाएं। चलो इतना तो पता होता है आपको कि आपके घर में कितनी मिर्चें खाई जाती हैं, कितना नमक खाया जाता है, कुछ लोगों के मिर्चें कम खाते हैं कुछ लोगों के नमक, तो इसी हिसाब से बनाया करें। चला आगे इंशाल्लाह भी मैं निकालूंगी आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना, यकीन जाने मेरा एक बेटा है अब्दुल समी उनके नाम से हमारी शॉप है, मैंने इस तरीके का खाना बहुत पसंद है, मगर मेरे मियाँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके पापा को, फरीन के बच्चों के दादों को, बच्चों के नानों को। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने आज मेरे लिए मूली के पराठे बनाए थे, ये चिकन पचरंगा, ये चिकन पचरंगा, ये देखे मैं डिश में डाल रही हूँ, ये देखें ये पीली लाल मिर्च, ये येलो मिर्च, ये ग्रीन मिर्च और ये प्याज, ये बेल पेपर कहते हैं उसे, कोई बात नहीं तुम बोल दो, अगर मेरे पीछे दादी नानी मैंने सारी जिंदगी नीला पीला लाल कराए, अब क्या मुझे सिखा रही, ना मैं पढ़ी हुई ना लिखी हुई, अल्लाह का शुक्र है फिर भी मैं इतनी सब समझ जाती हूँ, कभी कभी मैं इंग्लिश बोलती हूँ घर में माई तो बच्चे हंसते हैं, ओहो मम्मी आज तो इंग्लिश में बात कर रही है। ये देखा हर चीज आपको अलग नजर आ रही है, देखें ठीक है, ये देखे प्याज सब कुछ निकाल दिया मैंने, देखें देखा है ना, तेल इसमें कमी डाल दो, खाने के बाद हम गुड़ जरूर खाते हैं, मैंने खाना खा लिया, ये येलो मिर्च है ये ग्रीन रेड है, गुलाबी कलर की प्याज, गुलाबी कलर की प्याज है, फोटो ले लो इसको ऐसे करो, हाँ ऐसे, तुम्हारे फोन में तो अच्छा कलर नहीं आ रहा है, सेट होगा ये कैमरा वैमरा सेट तो कर लो पहले, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, या तो मुझे समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सामान में रखे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ अदा फरमाए, अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत अदा फरमाए, मोमिन मोमिन बहन मोमिन भाइयों की, अल्लाह जो देखते हैं वो भी जो नहीं देखते वो भी, अल्लाह सबकी माफ़रत फरमाए, अल्लाह जो जमीन के नीचे है और जो जमीन के ऊपर है, अल्लाह उनको नमाज की हिदायत अदा फरमाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन के नीचे वालों की तो मगफिरत होनी चाहिए, और ऊपर वालों को नमाजी बनाए अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।